तो गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस ये मेरी शाम की चाय है, आप लोग भी पी लीजिए। तो बस अभी मैंने चाय बनाया है तो मैं भी पीने बैठ गई हूँ, और अपने सास को भी दिया, बच्चों को भी दिया, वो भी पी रहे हैं। और आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, खाने का मन था। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लहसुन, मिर्चा, अदरक, प्याज सब कुछ काट लिया है। एक मिनट, पहले मैं अपना साफ कर लेती हूँ, कैमरा हो गया है। और ये देखिए, मैं ये काटी हूँ लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक, और इसमें डालूंगी 2 बड़ी इलायची। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, और पनीर की सब्ज़ी मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया है। और पता है मैं नमकीन कैसे खाती हूँ? चाय में डाल करके। कौन कौन ऐसे खाता है? मैं तो खाती हूँ, मुझे बचपन से ऐसे ही पसंद है। थोड़ी सी नमकीन लेती हूँ, चाय में डाल लेती हूँ, बस उस चाय पीती हूँ, नमकीन का भी स्वाद आ जाता है। अभी वहाँ पे मेरा देखिए ये दूध पक गया है, इधर मेरी चाय बन गई, मैंने चाय सबको दे दिया है। तो बस अभी चाय पी रही हूँ, पी लूँगी फिर इसको क्या करूँगी, तेल में थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर। अभी मैंने मंगाया है पनीर, 1/2 किलो पनीर, मटर मसाला। ये देखिए, ये हम डालते हैं पनीर मसाला, मुझे इसी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैंने मंगाया एक बड़ा पैकेट, और ये देखिए आपको दिखाती हूँ, मेरा छोटा वाला बेटा इतने लेके आया है, 10-10 रुपये के। एक और लेके आया है जी, 5 पैकेट लेके आया है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और मौसम आज हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल ठंडा कुल मौसम है। बारिश भी हो रही थी, अभी रुक गई है, लेकिन अभी मौसम ठंडा हो गया है, और इसी तरह रहे मौसम में तो सच में बहुत अच्छा है। अरे ज़्यादा ठंडा ना रहे, ज़्यादा गर्मी ना रहे, इसी तरह कूल मौसम रहे तो लगता है ना कि सावन है कि नहीं? तो चलिए ठीक है, चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी हमने चाय पी लिया है, तो बस आज ये देखिए, ये मैं पनीर मंगाई हूँ, ये 1/2 किलो पनीर है। तो बस आज पनीर खाने का मन, आज कई दिनों से पनीर खाने का मन था, लेकिन हमने कहा चलो बनाते हैं। कल तो मेरा फास्ट ही था। और ये देखिए, ये मटर है, 1/2 किलो मटर है। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उबलने से अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं उबलने के लिए रखती हूँ, पनीर काटूंगी। चाकू कहाँ गया? जी मिल गया। तो इसको पतला पतला काट लेती हूँ। और यहाँ मैंने आप लोग को दिखाया है लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक सब कुछ मैंने पीसा गया है, काट लिया है। तो पहले पनीर को मैं अच्छी तरीके से काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। और बच्चे मेरे ना पनीर कच्ची नहीं खाते हैं, वो फ्राई करी वाली ही खाते हैं, तो फिर मुझे उसी तरह बनाना पड़ता है। उन्हें फ्राई करी वाली ही पसंद है, बचपन से ही मैं ऐसे बनाते आई हूँ तो उन्हें उसी तरह पसंद है। बस छोटे छोटे स्लाइड में काटूंगी, ये देखिए। Thank you.
काट लिया है, तो अभी इसको मैं रख देती हूँ एक किनारे। और चढ़ाती हूँ दलिया, और आप लोग अभी ये सब चीज़ें इग्नोर करिएगा प्लीज़ यार। अभी मुझे अपने किचन की क्लीनिंग करनी है, पर अभी मुझे समय नहीं मिल रहा है। अभी पता है अभी हमारे यहाँ अभी एक त्यौहार था, साड़ी जो 2 दिन बनाई गई है, तो अभी मैं 2 दिन उसी में व्यस्त थी जो है, इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाया। आप सब लेडीजें सभी कोई जानती होंगी, जो अकेले होता है घर की जिम्मेदारियाँ हर चीज़ देखनी पड़ती है ना, उसको समय निकालना बड़ी समस्या की बात हो जाती है। तो इसीलिए अभी मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ। और मैंने अपने किचन के लिए काफ़ी चीज़ खरीद के रखा है, अभी नए मार्केट से मैं ले करके आई हूँ, रैक ला के रखी हूँ, और ये इसमें बिछाने के लिए, क्योंकि ये प्लास्टिक मेरा काफ़ी महीने से इसी तरह से जो है गंदा हो गया है। ये सब मुझे मतलब सब कुछ ला के रखी हूँ, सिर्फ सफाई करनी, जिस दिन समय जिस दिन मूड बन गया उस दिन सफाई करूँगी, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा ये अपनी, और हम मिडिल क्लास वाइफ है ना, सब कुछ बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने 2 बड़ी इलायची ले ली है, अभी इसी को मैं इसमें डालूंगी। पनीर कई तरीके से लोग बनाते हैं, कुछ लोग सीधे इसको पीस लेते हैं फिर मसाला भूनते हैं, तो मैं भी हर तरीके से बनाती हूँ। तो इस समय मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करके तब मिक्सर ग्राइंडर में पीसती हूँ, तब मैं बनाती हूँ, थोड़ा सोंधापन आ जाता है। और पालक पनीर, अब मुझे 2-3 तरह की पनीर बनानी आती है, अभी और मुझे सीखनी है, मुझे अभी और नहीं आती है तो वो भी सीखूँगी। बस भैया आज तो बन रहा है पालक पनीर, किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा, और मुझे पसंद है, मेरे बड़े वाले बेटे को तो बहुत ही पसंद है पालक पनीर, और ये मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, इसको अच्छा नहीं लगता, पानी आ जाता है मुँह में, है ना। तो हम पनीर बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटे को बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं, कल फास्ट आज बनाते हैं। तो बस आज यही बनेगा, रोटी बनेगी, और हमारे सास ससुर के लिए मैंने शिमला मिर्च की कलौंजी बनाई थी, आप लोग को सुबह दिखाया था, अभी मैंने अपलोड नहीं किया, वीडियो भी बना के रखी हूँ, रात में करूँगी, तो अभी मैंने बना के रखा है वीडियो, उसको अपलोड कर दूँगी, तो वो रखा है तो सास ससुर को खा लेंगे, क्योंकि हमारे सास ससुर पनीर बहुत ही कम पसंद करते हैं, वो नहीं पसंद करते। तो चलिए ठीक है, आप देखिए, क्योंकि मैं बातें करती रहूँगी तो ये मेरा जल जाएगा, तो आप देखिए और म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। अभी गरम है ये, फ्राई हो गया है, तभी इसको ठंडा हो जाने देंगे, तभी इसको पीसेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तो तब तक में हम तैयारी कर लेते हैं पनीर फ्राई करने की।
शादी में हुआ था मेरे मतलब उधर ही रहा है ना। तो चलिए चलते हैं पनीर फ्राई करते हैं। अब ये तेल मैंने डाल दिया है तो तेल थोड़ा गर्म हो जाए तभी फ्राई करूँगी। और ये अभी ठंडा हो रहा है तब से इसको रख देते हैं, ठंडा हो जाता है तब तक मैं अपना पनीर फ्राई कर लेती हूँ। और इधर मेरा मटर उबल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये बीच में। तो चलिए इसको पहले फ्राई कर लेते हैं फिर मिलते हैं। नहीं वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ पे ये देखिए मेरी पनीर फ्राई हो गई है तो चलिए इसको भी रख देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने मसाला भी घोल करके रख दिया है और अब ये फ्राई हो गया है इसको रख देते हैं और इसको चलते हैं पीस लेते हैं। और मटर मेरा उबल गया है आप लोग देख रहे होंगे तो चलिए इसको पीस लेते हैं फिर मिलते हैं। मैंने पीस लिया है इसको मिक्सर ग्राइंडर में और मैंने तेल में हीरा डाल दिया और मसाला चलिए ठीक है आप देखिए और मुझे कमा कर जीरा डाला और जीरा हो गया। फिर मसाला मैंने जो पीस लिया मतलब लहसुन प्याज मिर्चा अदरक उसको मैं भूनने के लिए रख दूँगी थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद ये यहाँ पर मसाला जो मैं घोल करके रखी हूँ फिर इसी मसाले को उसमें जो है ऐड करूँगी डालूँगी। और मटर हमारा जैसा कि उबल ही चुका है पनीर फ्राई भी हो चुका है तो बस ये बन जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी। तो चलिए पहले भून जाए फिर आपसे मिलती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये देखिए मेरा मसाला भून गया था तो बस मैंने जो कटोरी में भून के रखा था तो फिर मैंने उसमें जो है डाल दिया और कटोरी में थोड़ा सा मसाला लगा था तो फिर उसमें भी पानी घोल करके डाल दिया। तो ऐसा तो सभी लेडीजें करती हैं। तो बस इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनूंगी और प्याज लहसुन मिर्चा अदरक मेरा अच्छे से भून गया है तो लेकिन जब मसाला लहसुन प्याज मिर्चा मैंने पीस के रखा था वो मेरा भून गया और फिर मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है तो अब अच्छे से इसको थोड़ा सा भूनूंगी उसके बाद ही मटर और पनीर डालूंगी। तो अभी मेरे इधर सासू से जा रहे थे इसलिए फिर मैंने दुपट्टा ले लिया क्योंकि इधर से ही रास्ता है उनको व्हील चेयर से लिए आ जाती है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ फिर मिलते हैं आपसे। हमारा मसाला जो है भून गया है तो अभी ये चलते हैं इसको मैं डाल देती हूँ पनीर इसमें।
चटनी डाल दी है और अच्छे तरीके से मिला दी है। और अब डालूंगी इसमें ये मटर उबल गया है, इसको डाल दिया। उधर ही रहना, इधर नहीं आना। नहीं वो बेकार है ना। नहीं नहीं वो नहीं अच्छा, ये अच्छा है। तो देखा हमने मटर डाल दिया, पनीर डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए रखी हूँ। जब अच्छे से भून जाएगा तब इसमें मैं पानी डालूंगी। तो चलिए अभी थोड़ा सा गर्मी लग रही है, बाद में। बस यहाँ पे देखिए मैंने मटर पनीर डाल दिया है, तो बस इसको अच्छी तरीके से मिलाऊंगी, मिक्स करूंगी जो है। और अच्छे से पक गया है हमारा मसाला भी, तो बस इसमें मैं पानी ऐड करूंगी अब। और पानी तो अपने हिसाब से आदमी ऐड करता है, जितना पतला गाढ़ा पसंद हो पनीर जो है। तो मैं बहुत पतला नहीं वो करूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से ये पक जाए जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। डालने के बाद इसको मैं जो है फिर मतलब छोटे वाले फ्लेम पर ढाँक करके इसको रख दूँगी। तो बस ये मेरा पानी ऐड हो गया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल करके चलाती जा रही हूँ कि कितना पानी परफेक्ट होगा पनीर के लिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। तो बस इसको अभी जो है ढाँक के मैं रख दूँगी पकने के लिए। तो बस ये देखिए आप, मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए पनीर में मैंने पानी डाल दिया है। तो बस यहाँ पर ये देखिए पकते पकते जो है पनीर मेरी थोड़ी आधी हो गई है। बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा इसको पकने में, गड्ढा होने में, क्योंकि पनीर बहुत पतली अच्छी नहीं लगती है ना, गाढ़ी ही ज़्यादा अच्छी लगा करती है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी पनीर की सब्ज़ी पक गई थी, मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, रखते हैं, बाय बाय।